दोस्तों, रमेश बाबू परगनानंद यह भारत का एक ऐसा नाम है जिससे आज भी बहुत ही कम भारतीय लोग परिचित है, लेकिन विश्व स्तर पर आज यह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दे, यह नाम भारत के युवा चेस ग्रैंड मास्टर का है जो मैच 18 साल की उम्र में आज चेस वर्ल्ड कप 2023 फाइनल खेल चुके हैं और दूसरे स्थान पर रहे। तो दोस्तों, आज की स्टार्स लाइफ स्टोरी की इस वीडियो में हम बात करेंगे रमेश बाबू परगनानंद के लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनका रियल नेम रमेश बाबू परगनानंद है और निकनेम प्रज्ञा है। प्रोफेशन से ये एक चेस प्लेयर है। इनका जन्म 10 अगस्त 2005 को पाड़ी चेन्नई तमिलनाडु इंडिया में हुआ था और आज 2023 के हिसाब से ये 18 इयर्स के हो चुके हैं। बात करें अगर इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में तो इनकी हाइट 4 फीट 6 इंच है। इनकी आईज का कलर ब्लैक है और इनके हेयर्स का कलर भी ब्लैक है। रिलीजन से ये हिंदू है और इनकी नेशनैलिटी इंडियन है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनके एजुकेशन के बारे में। इन्होंने साल 2002 में 9th क्लास क्लियर की है वेलामलल मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई से। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनके कैरियर के बारे में। दोस्तों, रमेश और उनकी बहन बचपन से ही कार्टून बहुत ज्यादा देखते थे, जिससे उनके पिता ने इन दोनों को कार्टून देखने की आदत छुड़ाने के लिए अपने नजदीक शतरंज अकेडमी में दाखिला करा दिया। उस समय उनकी उम्र 5 साल की थी। इन दोनों भाई बहनों ने MA वेलायुधम से शतरंज की बारीकियां सीखी। इसके बाद से ही दोनों भाई बहन शतरंज में पूरी तरह से निपुण हो गए। कुछ वर्षों से इनके कोच मशहूर शतरंज खिलाड़ी RB रमेश है। रमेश विश्वनाथ आनंद को अपना आदर्श मानते हैं। परगनानंद एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है। फरवरी 2022 में प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा, सरगई कारजाकिन, मुकेश डी और जावोखिर सिद्रोव के बाद उन्हें ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाले 5वें होने के लिए जाना जाता है। साल 2013 में परगनानंद ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप U8 का खिताब जीता। 7 साल की उम्र में उन्होंने FIDE मास्टर की उपाधि प्राप्त की। साल 2015 में इन्होंने U10 का खिताब भी जीता। 10 साल 10 महीने और 19 दिन की उम्र में परगनानंद ने सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल शतरंज मास्टर बनकर इतिहास रच दिया। 2017 में इन्होंने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में पहला ग्रैंड मास्टर खिताब जीता। 17 अप्रैल 2018 को उन्होंने ग्रीस में हेराकिलोन फिशर मेमोरियल GM नॉर्न टूर्नामेंट में दूसरा ग्रैंड मास्टर खिताब जीता। परगनानंद ने 23 जून 2018 को 12 साल 10 महीने और 13 दिन की उम्र में इटली के उल्टीजोई में ग्रेडिन ओपन में तीसरे ग्रैंड मास्टर खिताब का दावा किया, जिसके बाद इस उम्र में ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। परगनानंद ने 12 अक्टूबर 2019 को U18 वर्ग में विश्व जूनियर चैंपियनशिप जीती। दिसंबर 2019 में इन्होंने 2600 की रेटिंग हासिल की और यह रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। फरवरी 2022 में परगनानंद ने विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर एयर थिंग्स मास्टर्स चैंपियनशिप का 8वां दौर जीतकर इतिहास रच दिया। उनकी जीत के तुरंत बाद कई प्रसिद्ध खिलाड़ियों ने उनकी जीत पर परगनानंद को बधाई दी। क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने भी परगनानंद को बधाई देने के लिए अपने ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल किया। मंगलवार 22 अगस्त 2023 को FIDE विश्व कप के शुरुआती मैच में मौजूदा विश्व नंबर 1 मैगर्स कॉल्सन और परगनानंद का आमना सामना हुआ। 35 फिल्मों के बाद गेम में ड्रॉ हुआ। 24 अगस्त को मैगर्स कॉल्सन से हारने के बाद परगनानंद 2023 विश्व कप में दूसरे स्थान पर रहे। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। दोस्तों, इनके फादर का नाम रमेश बाबू है जो कि एक बैंक एम्प्लॉई है। इनकी मदर का नाम नागल लक्ष्मी है। इनकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम वैशाली रमेश बाबू है और वो भी एक चेस प्लेयर है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनकी हॉबीज के बारे में। तो दोस्तों, इनको खेलने का बहुत शौक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनके घर
के बारे में कि ये रहते कहाँ पर है। तो दोस्तों ये चेन्नई तमिलनाडु इंडिया में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में। तो दोस्तों परगना नंद की टोटल नेटवर्थ $1 मिलियन बताई जाती है, जिसको अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 8 करोड़ 26 लाख के आसपास होती है। रमेश बाबू परगनानंद की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।